हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम आपको विटामिन ई के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको आसानी से मिल जाए, और उसके साथ साथ लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि विटामिन ई है क्या। तो विटामिन ई जो होती है यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन होती है, यानी कि फैट में घुल जाने वाली विटामिन होती है। विटामिन ई शरीर के जो हमारी टिश्यू होते हैं या फिर जो कोशिकाएं होती हैं उनको फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाती हैं, यानी कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बेहतर करती हैं। फ्री रेडिकल्स जो होती हैं कोशिका या फिर कहें तो जो टिश्यू होते हैं, अक्सर करके देखा जाता है कि चमड़ी पे यहाँ पे पपड़ियाँ जम जाती हैं या फिर क्रैक्स हो जाते हैं या ब्लैकिस हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उसमें यह बहुत बेहतर साबित होती है। यानी कि जो विटामिन ई होती है स्किन के लिए बहुत ही बेहतर साबित होती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, यानी कि जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, वो भी हमारी चमड़ियों को ब्लैकिस बना देती हैं या फिर कहें तो उनके उनसे होने वाले नुकसान की क्षति, यानी जो हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं वो हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उसके बदले अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो वो इफ़ेक्ट बहुत कम पड़ता है। यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से नुकसान होने वाली कोशिकाएँ जो होते हैं वो फिर से रिकवर होती रहती हैं। यानी कि जो लोग ज़्यादातर धूप में रहते हैं, अक्सर करके देखा जाता है कुछ लोगों में, जेंट्स में भी होता है और महिलाओं में भी या फिर लड़कियों में भी ज़्यादातर देखा जाता है कि आँख के नीचे यहाँ पे ब्लैकिश स्पॉट बन जाते हैं, यहाँ पे काला काला सा निशान बन जाता है, उसमें जो है कि विटामिन सी बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। और इसको जो है आप कैप्सूल फार्म में भी ले सकते हैं, यानी कि कैप्सूल फार्म में भी आता है, ये आपको मेडिकल हॉल पर मिलेगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, ये जो है कि हमारी इम्यूनिटी क्षमता, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है उसको बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर देती है। यानी कि जो स्किन से संबंधित जो भी इम्यूनिटी है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है, उसको भी बढ़ा देती है। तो चलिए इसके स्रोत के बारे में बता देते हैं, यानी कि किससे पाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आता है ब्रोकली। ब्रोकली जो होती है यह भी एक गोभी जैसा ही होता है, यानी कि गोभी ही एक तरह की होती है। दूसरा होता है आलमंड ऑयल, आलमंड ऑयल में भी पाया जाता है। तीसरा है कीवी, कीवी में भी बेहतर पाया जाता है। टोमेटो जिसे टमाटर कहते हैं उसमें पाया जाता है। स्पाइनेक पालक में पाया जाता है। एग अंडे में पाया जाता है। वेजिटेबल्स आयल, जो वेजिटेबल्स आयल होते हैं कहते हैं, जो सरसों का तेल होता है या फिर सूरजमुखी का तेल होता है, उसमें भी एक अच्छी खासी मात्रा में यानी कि विटामिन सी पाई जाती है। व्हीट जर्म सीड में भी पाया जाता है, यानी कि जो व्हीट, यानी कि कहें कि गेहूँ जो अंकुरित हो रहा होता है उसमें भी पाया जाता है। शुगर बीट में भी पाया जाता है। शुगर बीट जो होता है जिसे आप गंजी कहते हैं, गंजी में भी पाया जाता है। पाम आयल में पाया जाता है। जैतून आयल में पाया जाता है। मूंगफली में पाया जाता है। और ये सब चीज़ें अगर आप भरपूर मात्रा में या फिर कहें तो एक जो संतुलित आहार होता है उसके संतुलित आहार यानी कि एक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं तो आपको विटामिन ई की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर विटामिन ई की कमी हो रही है तो आप विटामिन ई की कैप्सूल फार्म में भी जो गोली आती है उसको भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जो विटामिन ई की जो कमी हो रही है आपके शरीर में उसकी पूर्ति हो जाती है। तो चलिए इससे होने वाले लाभ को भी आपको बता देते हैं कि इससे क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ होता है कि ये स्किन के लिए बहुत बेहतर होती है, यानी कि जो चमड़ी होती है क्रैक्स हो जाए, फट जाए और ब्लैकिश स्पॉट बन जाए यहाँ पे आँख के नीचे यहाँ पे, उसके लिए भी बहुत ही बेहतर साबित होती है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी, यानी कि विटामिन ई बहुत अच्छा माना जाता है। जो हमारा हार्ट है उसको भी रोगों से, सॉरी, इसको जो है कि इम्यूनिटी बूस्ट बना देता है, यानी कि जो हार्ट है उसकी एक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जिससे कि हार्ट हमारा अच्छे से काम करता रहता है और इम्यूनिटी क्षमता को बहुत ही अच्छा खासा ये बढ़ाती है, जिससे कि आपको रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है कि ये बढ़ जाती है। उसके साथ साथ ये कैंसर में भी बहुत यूज किया हुआ लोगों का एक डाटा है, यानी जो डॉक्टर्स हैं उनके डाटे में कैंसर में भी विटामिन ई अच्छी बेहतर साबित होती है। इसके साथ साथ आई में भी
आई में अक्सर करके अगर इसकी कमी है तो भी आपको, जिससे मोतियाबिंद हो जाता है, तो उसमें भी आप ले सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। तो चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को देखते रहिए और उसके साथ साथ सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए। तो फिर वीडियो की अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।